नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में अभी तक हम दो किस्म के ऑक्साइड्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हमने ऑक्साइड्स देखे उनमें था नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड वॉज N2O, इसको हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके बाद सेकेंड हमने ऑक्साइड देखा, दैट वॉज नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें सिंगल नाइट्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन होता है, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी, प्रेपरेशंस वगैरह देखी। आज हमने देखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन एक दफ़ा और ऑक्सीजन दो दफ़ा इसके साथ बॉन्डेड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और फाइनली फिर हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, और इस जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ऑक्साइड्स का टॉपिक फिनिश कर देंगे। स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कुछ नाइट्रस ऑक्साइड से मिलता जुलता है। नाइट्रस ऑक्साइड्स में दो नाइट्रोजन सिंगल ऑक्सीजन था, इसमें सिंगल नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन है। अगर आप रिकॉल करो नाइट्रस ऑक्साइड में दो N और साइड पे एक O होता था, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता था। फिर हमने देखा था कि दो किस्म के स्ट्रक्चर्स आगे हो सकते थे। नाइट्रोजन के तो देखो बॉन्ड्स पूरे हो गए हैं, इसके तो दरमियान वाले के तो आठ पूरे हो गए हैं ना। अब होता ये है कि इन दोनों के आठ पूरे करने के लिए आपको एक बॉन्ड शिफ्ट कराना पड़ता है, और अगर तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दो तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरीके से सारों के आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो ये आपके दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स थे फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। आज हम यहीं से बात आगे लेके चलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी कुछ ऐसे ही होता है, सेंटर में हमारे पास नाइट्रोजन होता है और साइड्स पे दो ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ के इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, सो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑक्सीजन के 6 आपने बना दिए। एंड देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में है देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपने इनके बॉन्ड्स इस तरीके से पूरे करने हैं कि सबके बॉन्ड्स पूरे हो जाएं, मतलब इनके इसके लास्ट शेल में भी 5 हैं, इसमें 6 हैं और इसमें 6 हैं। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक बॉन्ड बना दूं तो इन दोनों का एक एक अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी इसके अब 7 हो गए, इसके अब 6 हो गए हैं और इसके अभी भी 6 ही हैं। आप अगर एक और बॉन्ड बना दो इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले नाइट्रोजन का, तो अब इन दोनों ने भी एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया एक दूसरे का, तो अब इसके 7 हो गए हैं, इसके 7 हो गए हैं और इसके भी 7 हो गए हैं। अब यहां से जो आगे कहानी है ना वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। यहां से आगे आपने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है। मसलन अगर मैं इन दोनों का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना देता हूँ, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन का, तो अब इस ऑक्सीजन को अगर आप देखो इसके 8 पूरे हो गए, इस नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो गए, बट इस ऑक्सीजन के अभी तक 7 ही हैं। अलबत्ता अगर मैं इस राइट साइड वाले के साथ यही कहानी कर देता, अगर एक स्ट्रक्चर पीछे चले जाओ, अगर मैं राइट साइड वाले के साथ यही कर देता तो फिर उसमें पूरे हो जाने थे। बट अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो सिर्फ इस ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ रहा है ना। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 3 इसने बॉन्ड्स बना के 8 पूरे कर लिए। अब इस वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक पार्शियल आपस में बॉन्ड बन जाता है, और ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, एक पार्शियल शेयरिंग सी कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी 8 पूरे हैं, ये मजीद इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जिस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड में आपने देखा था ना पार्शियल शेयरिंग होगी थी, दो तो बॉन्ड्स बने हुए थे ना, लेकिन तीसरा बॉन्ड पार्शियली बना हुआ था। इस तरह यहाँ पर एक पार्शियल सी शेयरिंग हो जाएगी, और इसका आप यूँ समझ लो कि हाफ इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और हाफ इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इस तरीके से डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट बहुत कम रह जाएगी। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हो। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जो इसके प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो। प्रिपरेशन में आपके पास जो सबसे पहले आपने पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन, जिसमें आपने देखा था कि अगर आप जिंक को ऑक्सीडाइज करो विद नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड,
तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिंक को ऑक्सीडाइज करके जिंक प्लस टू में चेंज कर देता है और जिंक प्लस टू का नाइट्रेट बन जाता है विच इज जेड एन एन ओ थ्री होल ट्वाइस, और नाइट्रिक एसिड बजाते खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है एन टू ओ के अंदर, एंड साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता है। फिर आपने देखा कि अगर यही रिएक्शन आप कॉपर के साथ करवाओ, नाइट्रिक एसिड ही अगर आप लो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ही, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करता है एनओ थ्री होल ट्वाइस, कॉपर टू नाइट्रेट बन जाता है। साथ में अब जो इस दफा नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनता बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसकी रीजन मैंने आपको ये समझाई थी कि कॉपर जो है, कॉपर कम ऑक्सीडाइज हुआ है निस्बतन जिंक के। वो आपको कैसे समझ आएगी ये बात, यहाँ पे आप देखो नाइट्रिक एसिड पे नाइट्रोजन पे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे आप अगर राइट साइड पे देखो नाइट्रिक ऑक्साइड पे नाइट्रोजन पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली ऊपर तो यहाँ पे तो प्लस फाइव ही थी, नाइट्रस ऑक्साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होती है। इसका मतलब हुआ कि जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ने काफी हद तक बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज किया है निस्बतन इस नीचे वाले रिएक्शन के, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नाइट्रिक एसिड का अपना प्लस फाइव से प्लस वन पे आ गया, यानी चार इलेक्ट्रॉन्स पर नाइट्रिक एसिड जो है वो डोनेट हो गए हैं टू जिंक। यही मतलब हुआ ना, बल्कि नहीं डोनेट नहीं हो गए, एक्सेप्ट हो गए हैं जिंक से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह यहां पे आप देखो, यहां पे प्लस फाइव से प्लस टू पे चार्ज आ रहा है, ऊपर प्लस फाइव से प्लस वन में आ रहा था, यहां पे कम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है, यानी कॉपर निस्बतन कम ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक के। ठीक है, ये दो रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे अगर आप नाइट्रोजन का चार्ज इवेल्युएट करो, एक सिंगल नाइट्रोजन का आप एक्स लोगे, दो ऑक्सीजन का माइनस फोर हो गया इक्वल्स टू जीरो, एंड एक्स इक्वल्स टू फोर। सो बेसिकली आपने ऑक्सीडेशन तो करानी है इस दफा भी एच एन ओ थ्री के साथ। आप अगेन अगर कॉपर का रिएक्शन करवाओ तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ में आप एन ओ टू बनाना चाह रहे हो एंड साथ में वाटर। ये रिएक्शन आप चाह रहे हो कि ऐसा हो। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ही इस्तेमाल करोगे तो वो यही चीज बनाएगा हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन आप एक ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी। आपने लास्ट इससे जो मोस्ट रिसेंट लेक्चर के अंदर आपने ये चीज पढ़ी है कि नाइट्रिक एसिड को अगर आप ऑक्सीडाइज करो इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर आप इन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करो तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। या आपने अभी बिल्कुल रिसेंटली ये लेक्चर देखा है, इसमें आपने देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स जो थे वो नाइट्रिक एसिड के और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिलके तीन मॉलिक्यूल्स इसके बना रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप डाइल्यूट कंसेंट्रेट सॉरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लो, एच एन ओ थ्री डाइल्यूट लो, तो आपके पास क्या बनेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट तो बनेगा, यानी सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस जो तीसरी चीज बननी है ना वो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। सॉरी मेरे से बार बार मिक्स हो रहा है, इट्स नाइट्रिक ऑक्साइड नॉट एसिड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बन गया है इसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं इस डाइल्यूट को कंसेंट्रेटेड कर दूं तो क्या होगा कि मजीद नाइट्रिक एसिड बीच में आ जाएगा, और वो जो मजीद नाइट्रिक एसिड है वो एक तरह से एनओ के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना शुरू कर देगा। तो वाटर जो है ये एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाएगा और ये एनओ एनओ टू के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये रीजन है कि अगर आप कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करो तो वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके एनओ टू बना देता है इंस्टेड ऑफ एनओ। ठीक है, इसकी रीजन अभी मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बजाते खुद जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, यानी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन इज प्लस टू, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस फोर, तो बेसिकली प्लस टू से प्लस फोर पे गया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, और इसको ऑक्सीडाइज किया है नाइट्रिक एसिड ने। अगेन जी, जरा पहले आपको मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी, अगर आपने ये लेक्चर इससे पहले आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं सुने, आई वुड रिकमेंड कि आप चैप्टर थ्री के इससे जो पिछले लेक्चर्स हैं जिसमें आपने नाइट्रिक एस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन देखी हैं वो आप लाजमी सुन लो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो रहा है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है सी यू टू प्लस के अंदर, और साथ डेफिनेटली वो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो सेकेंड रिएक्शन है आपका
रिडक्शन रिएक्शन, उसमें नाइट्रेट आइंस जो हैं NO3-1 वो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद बन क्या रहे हैं, NO2 बन रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेट के अंदर अगर आप चार्ज इवेल्यूएट करो नाइट्रोजन का, तो दैट कम्स आउट X-6=-1, X=+5, तो यहाँ पे आपके पास +5 चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, एंड अगर यहाँ पे आप इवेल्यूएट करो तो ये आपको अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, इट इज +4, तो एक चार्ज रिड्यूस हो रहा है, सो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो ये काम कर देगा। इफ यू नाउ सी ऊपर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, 2, नीचे कितने हैं 1, तो आपको नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएंगी इन्हीं को अपडेट करके मैं दोबारा लिखने लगा हूं, जो अपडेटेड इक्वेशन हैं वो कुछ ये बन जाएंगी, Cu changes into Cu2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और रिडक्शन में ये हो रहा होगा कि दो नाइट्रेट आइंस जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही वाले जो ऊपर प्रोड्यूस हुए थे, और दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगेन मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, आप लोग ने बुक 1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शंस का, उसके अंदर आपने बैलेंसिंग पढ़ी होगी, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, तो बेसिकली यू आर यूजिंग नाइट्रिक एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम वाली बैलेंसिंग है, ये प्योरली उसकी एप्लीकेशन है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। इन एसिडिक मीडियम रूल ये होता है कि आपने वाटर्स और H2O ऐड करने होते हैं अगर ऑक्सीजन कम हो, और H+ ऐड करने होता है अगर प्रोटॉन्स कहीं पे कम पड़ रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो राइट साइड पे देर आर 4 ऑक्सीजन, ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव 3, 2 are 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डालने हैं, तो आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा डाल दोगे, जिसकी वजह से होगा ये कि 4 H+ एक्स्ट्रा आ गए हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे आप 4 times H+ ऐड कर दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल से ये स्टेप्स हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हैं और 2 नाइट्रिक एसिड हैं, तो यहाँ पे फर्दर 2 नाइट्रिक एसिड आप खुद से ऐड कर दोगे, जिस तरह से पीछे वाले में भी करता आ रहा हूँ, ताकि रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस्ड रहे, 2 नाइट्रिक एसिड लेफ्ट पे भी और 2 नाइट्रेट्स लेफ्ट और राइट पे आप ऐड कर दोगे। अब देखो टोटल 4 नाइट्रेट्स हैं और 4 H+ हैं, तो ये 4 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर देंगे। मैं ओवरऑल अब सम करने लगा हूं, 4 नाइट्रिक एसिड, 4 HNO3 जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं विद कॉपर, और साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे हैं इधर और इधर राइट साइड पे, ये दोनों कट के ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, Cu+2 आइंस एंड 2 दफा नाइट्रेट आइन, ठीक है। तो ये बेसिकली Cu NO3 होल ट्वाइस बन जाएगा ओवरऑल, क्योंकि कॉपर क्यूप्रिक में चेंज हो गया था, और साथ में 2 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सी दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, 4 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक कॉपर को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, और खुद नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, और इसमें शर्त क्या थी कि नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड आप रखोगे तो वो तभी तो नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। इसी की एक और प्रिपरेशन टेक्निक भी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ही प्रिपेयर करने की, जो सेकंड टेक्निक है उसमें आप ये करते हो कि आप लेड नाइट्रेट लेते हो। अब बहुत सारी किस्मों के हैं आपके पास, देखो लेड कंपाउंड जो हैं आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि लेड कंपाउंड जो होते हैं वो 2 किस्म की वैलेंसीज शो करते हैं, लेड और टेन जो हैं ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और +4 भी करते हैं, सिमिलरली टेन भी +2 एंड +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेड, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को प्लम्बस कंपाउंड्स बोलते हैं, और जब ये +4 करता है तो ऐसे कंपाउंड्स को प्लम्बिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो यहां पे अगर आप देखो तो ये Pb+2NO3-1 से मिलके बना हुआ है, सो दिस इज बेसिकली प्लम्बस नाइट्रेट। ओके, सो प्लम्बस नाइट्रेट पे आपको पता है कि लेड की क्या वैलेंसी है, +2, एंड नाइट्रेट में नाइट्रोजन नाइट्रेट का चार्ज क्या है, -1, सो आप यहां से X-6=-1 करके आप X=+5
निकाल सकते हो. सो दैट मींस कि लेड नाइट्रेट के अंदर या प्लम्बस नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का चार्ज प्लस 5 होता है. अब अगर आप लेड नाइट्रेट लो और लेड नाइट्रेट को आप हीट करो, तो हीट करने से क्या होता है कि लेड नाइट्रेट डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज होकर ये तीन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाता है. एक प्रोडक्ट जो होता है दैट बिकम्स लेड ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, एंड द तीसरा प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं. ये अगेन आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा मुश्किल रिएक्शन है कि आपको याद कैसे रहेगा कि ये तीन चीज़ें बन रही हैं. मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ये एक्चुअली क्या हुआ है इस रिएक्शन के अंदर. ये बहुत ईजी रिएक्शन है. नाइट्रेट आइंस जो हैं, नाइट्रेट आइंस में नाइट्रोजन का चार्ज प्लस 5 था, और नाइट्रेट आइंस जो हैं वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो गए हैं, सॉरी रिड्यूस हो गए हैं, रिड्यूस होके NO2 के अंदर चेंज हो गए हैं, जिसमें नाइट्रोजन का चार्ज प्लस 4 होता है. अभी हमने मोस्ट रिसेंटली अभी यही बात की थी हमने, और ये डेफिनेटली रिडक्शन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है हमने. ठीक है, और अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर ढूंढो इसी के अंदर, तो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर कितना चार्ज है उसका? -2, और राइट साइड पर कितना है? 0, और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन -2 था, और इसके अंदर आपने क्या ऐड किया लेफ्ट साइड पे ऊपर? ऑक्सीजन ने इसका चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीजन 0 के अंदर चेंज हो गया, और साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने रिलीज कर दिए, और ये बेसिकली दो दफ़ा दो ऑक्साइड ऑक्सीजन ने यूं किया और O2 मॉलिक्यूल बन गया, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ओवरऑल रिलीज हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज हो रहे हैं, 4 ही प्रोड्यूस भी होने चाहिए, 4 यूज भी होने चाहिए. तो यहां पे अगर सिंगल नाइट्रेट था तो ये आपको 4 नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 नाइट्रेट्स एंड 4 दफा NO2 प्रोड्यूस होना पड़ेगा. तो यहां पे आपके पास 4 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा. ये तो आपको खुद अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा है. और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास 4 नाइट्रेट्स होने चाहिए, तो NO3 होल ट्वाइस, 2 नाइट्रेट्स तो ऑलरेडी हैं, 2 आप खुद लगा दोगे, और राइट साइड के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 2 लेड्स हो गए. ठीक है, अब आप देखो ये रिएक्शन ओवरऑल बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है. और ये जो आप फिर सोच रहे हो ये नीचे मैंने क्या करवा दिया आपको, ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है. ये आपके पास सिंगल स्पीशी है, सिंगल एक कंपाउंड है जो कि खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो गया और खुद ही रिड्यूस भी हो गया. ये वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, और यही वाला कंपाउंड बजाते खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर भी कन्वर्ट हो गया. और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसके लिए एक और लफ्ज़ यूज होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. अब अगेन ये कोई पहली दफा मैं आपको नहीं बता रहा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है. कोई एक चीज होती है ए, ये बी और सी के अंदर इस तरीके से चेंज हो रही होती है कि ए को ऑक्सीडाइज किया जाए तो बी बनता है, और ए को रिड्यूस किया जाए तो सी बनता है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही वाली स्टोरी यहां पे अप्लाई हो रही है जो इससे पहले भी आप पढ़ चुके हुए हो. सो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले ये बात की कि नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे दरमियान पे पॉजिटिव चार्ज होता था और एक नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा होता था राइट और लेफ्ट साइड पे. इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ वैसा ही हो रहा होता है. इसमें यह होता है कि दो बॉन्ड्स तो बने हुए होते हैं, एक जो तीसरा बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा होता है. ये कभी यहां पे होता है और कभी यहां पे होता है, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस साइड पे दो बॉन्ड्स बनाओगे और किस साइड पे एक बॉन्ड बनाओगे. ठीक है, जहां पे एक बॉन्ड बनाओगे उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा. यह आपके पास स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का. उसके बाद हमने देखा कि अगर आप नाइट्रिक एसिड को यूज करो टू ऑक्सीडाइज जिंक, आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड बनता है. अगर आप नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में अगर कॉपर को ऑक्सीडाइज करो तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है. अलबत्ता अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्दर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा और NO को NO2 के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो इससे पिछले लेक्चर के अंदर कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर हमने देखा कि अगर आप
प्योरली कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ कंसेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करो तो वही रिएक्शन हो जाता है इन शॉर्ट, जो ऊपर मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने ये देखा कि इसी रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहो यूजिंग रिडॉक्स, जो आपने टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं इन एसिडिक मीडियम, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और सेकंड जो मेथड था उसमें आप लेड नाइट्रेट जो है प्लम्बस नाइट्रेट उसको आप हीट करते हो, आपके पास प्लम्बस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स प्रोडक्ट, इसमें ना रिडक्शन हुई है ना ऑक्सीडेशन हुई है, लेड पे प्लस टू ही चार्ज है और ऑक्सीजन पे माइनस टू ही चार्ज है, यानी ये आपके पास एक नॉर्मल प्रोडक्ट आया है। अलबत्ता जो ऑक्सीजन आया है इस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दैट मींस के इस पे ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में था, तो इसका मतलब है माइनस टू से जीरो की तरफ ऑक्सीजन का चार्ज शिफ्ट हुआ है, यानी चार्ज इंक्रीज किया है, यानी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुई है और नाइट्रेट की रिडक्शन हुई है और नाइट्रेट का चार्ज प्लस फाइव से प्लस फोर में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस होकर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंज हो गया। और ये जो रिएक्शन है दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड इन केमिस्ट्री वी कॉल देम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे नजर डालेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की, एंड फाइनली हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस स्टडी करेंगे।